अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के कोर्स कंटेंट्स के जो लास्ट पोर्शन है हम उसको स्टडी करेंगे। उसको स्टार्ट कर रहे हैं हम जो कि है केमिकल डाटा एनालिसिस। इसमें हम डिफरेंट जो है एनालिटिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ कुछ एनालिटिकल टर्म्स हैं जैसे मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, ठीक है। और इसी तरह हम एरर्स देख सकते हैं, एरर्स की क्या टाइप होती है, प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम जो है इस पोर्शन के अंदर स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करें हैं मीन एंड मीडियन से, ठीक है। और इसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे और मैं इस इन एग्जांपल्स के अलावा और एग्जांपल्स भी आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन क्या होता है। सिंपल जो हम एवरेज कहते हैं कि जितना भी हमारे पास डाटा है हम उसको क्या कर लें कि कंबाइन कर लें, उसकी समेशन ले लें और उसको जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज आ जाती है, ठीक है। तो उसी को ही हम मीन कहते हैं। मीन इज दी अरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑफ ऑल दी एनालिटिकल वैल्यूज, ठीक है। अगर एक्स वैल्यूज है हमारे पास तो हम उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करें, यानी एवरेज से के लिए हम जो सिंबल ले रहे हैं वो बार ले रहे हैं, ठीक है। कि एक्स बार ये जो है हमारे पास एवरेज आ जाती है, या जिसे हम मीन कहते हैं। कि इसके लिए हम क्या, हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ आई विच इज इक्वल टू वन, यानी ये कोई भी वैल्यू जो वन है, वन से लेके एन तक जा रही है, उन सब की हमने समेशन ले लेनी है। कि एक्स आई की वैल्यू जितनी भी वैल्यूज हैं हमारे पास हमने उन सब की वैल्यूज की समेशन ले ली है लेनी है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। दिस सिंबल एक्स आई मीन्स एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज एक्स आई फॉर दी रेप्लीकेट्स, यानी कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी एक्स आई में आ जाएगी और समेशन आई मीन के एडिशन हो जाएगा उन सबका, वो ले लें और उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ जितनी भी वैल्यूज होंगी उससे। अब मीडियन क्या होता है। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। कि कोई भी अगर आपको रैंडम वैल्यूज दे दी जाती हैं तो उनको आपने सबसे पहले क्या करना है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करना है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उनमें से जो मिडल वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल देख देते हैं। कैलकुलेट द मीडियन एंड मीन ऑफ द डाटा। नीचे आपको इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू दी है 19.4, 19.5, 19.6, 19.8, 20.1 एंड 20.3 ppm, ठीक है। तो हमने मीन लेने के लिए सबसे पहले इनको प्लस करेंगे, कितनी वैल्यूज है हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 वैल्यूज हैं, जिसको डिवाइड कर दिया 6 है। तो इसका मतलब है कि मीन हमारे पास क्या आ गया, 19.78 या अप्रोक्सीमेटली 19.8 ppm आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि हमने मीडियन निकाला। मीडियन हमने क्या कहा था कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करें इनको, और उसके बाद हमारे पास क्या है कि उनका सेंट्रल पॉइंट जो होगा वो मीडियन होता है, ठीक है। अब वैल्यूज क्या है हमारे पास, देखें 19.4, 5, 6, 8, 20.1, 20.3, 6 वैल्यूज है। तो इसका मतलब है इनका मिडल पॉइंट कौन सा होगा, 3 एंड 4 वाला, ठीक है। अब अगर ओड वैल्यूज होती, जैसे 5 होते, 6, 5 होते, 7 होते, 9 वैल्यूज होती, तो उनका तो हमारा इजीली जो उनका सेंट्रल पॉइंट हम निकाल सकते थे। लेकिन जो हमारे पास इवन वैल्यूज होती हैं तो उनका मीडियन जो निकालना है, तो उन दो जो सेंटर वाले दो होंगे ना उनको लेके हम उनका एवरेज ले लेते हैं। जैसे कि ऊपर वाली वैल्यू में 19.6 और 19.8 है, तो उसका एवरेज लिया हमने, दो वैल्यूज हैं उसका एवरेज लिया, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, 19.7 आ गया। तो ये इसका मीडियन है, यानी सेंट्रल पॉइंट इसका ये आ जाएगा। आइडली द मीन एंड मीडियन आर आइडेंटिकल, फ्रिक्वेंटली दे आर नॉट, पार्टिकुलरली व्हेन द नंबर ऑफ मेजरमेंट इन अ सेट इज स्मॉल। कि हमारे पास क्या है, अगर ओड वैल्यूज हैं तो मोस्टली ये आइडेंटिकली होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इवन आ जाएंगी या स्मॉलर वैल्यूज हैं तो फिर यहाँ पे ही थोड़ा सा इससे वैल्यू चेंज भी हो सकती है।
इसी तरह हमारे पास एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या है। एक्यूरेसी इंडिकेट द क्लोजनेस और नियरनेस ऑफ द मेजरमेंट टू इट्स ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू एंड इज एक्सप्रेस बाय एन एरर। ठीक है, कि हम कितना भी कोई डाटा जो है वो आइडियल बिहेवियर के करीब है, यानी कि जितनी एक्चुअल उसकी वैल्यू होना चाहिए उससे हमारा डाटा कितना कोई करीब है उस वैल्यू से, वो हमारे पास उसकी एक्यूरेसी बताती है। अगर वो बहुत ज़्यादा करीब है तो उसका मतलब है हमारा वर्क बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, उसमें एरर नहीं है। लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन आती है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई एरर मौजूद है। एक्यूरेसी मेजर्स एग्रीमेंट बिटवीन अ रिजल्ट एंड इट्स ट्रू वैल्यू, कि जिसकी ट्रू वैल्यू है और जो हम उसको कैलकुलेट करके लेके आ रहे होते हैं उनके दरमियान में एग्रीमेंट बताती है। डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट एंड द मेजर्ड वैल्यू इज एक्सप्रेस एज एरर, कि जो डिफरेंस आता है वो उसका एरर कहलाता है। द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, कि जितना एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा होता है कि ट्रू रिजल्ट और मेजर्ड वैल्यू के अंदर, इसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एरर की डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, रिलेटिव एरर मे बी कंप्यूटेड एंड इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू और इन पार्ट्स पर 1000, कि हम रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक सब्सटेंस का दूसरे के लिहाज से हम उसको कंपेयर करें तो रिलेटिव एरर निकल आएगा, तो उसकी हम परसेंटेज की फॉर्म में उसको ले लेंगे, या तो परसेंटेज में मेजर कर देते हैं या पार्ट्स पर 1000 में मेजर करते हैं। ग्रॉस एरर इज दैट विच अकर ओकेशनली, स्प्लिटिंग ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि सॉल्यूशन डालने हैं तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिर गया, ठीक है, उसके मेजरमेंट में डिफरेंस आ गया। रॉन्ग स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो सकती है, अरिथमेटिक मिस्टेक हो सकती है, यूज ऑफ रिवर्स ऑफ साइन आर एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस एरर, कि ये हमारे पास नॉर्मली कोई ना कोई इसमें से एरर हो ही जाता है। ठीक है, अब प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन डिस्क्राइब द एग्रीमेंट अमंग सेवरल रिजल्ट मेजर्ड इन द सेम वे, कि हम क्या करते हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे हैं, तो यानी कि सेवरल एक्सपेरिमेंट या सेवरल मेजरमेंट होगी एक ही तरह से कर रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से कितने मिलते हैं। ठीक है, कितनी हमारी रीडिंग्स प्रिसाइज हैं, कि एक रीडिंग अगर आ रही है किसी एक पॉइंट पे तो दूसरी भी उसी पॉइंट पे आती है या नहीं आती। ठीक है, प्रिसीजन डिस्क्राइब द एग्रीमेंट अमंग सेवरल रिजल्ट मेजर्ड इन द सेम वे, इट आल्सो इंडिकेट द वेरिएबिलिटी इन रिजल्ट, कि वो देखते हैं कि रिजल्ट कितने, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितना डिफरेंस है। इफ वैल्यूज आर एक्सप्रेस एज डॉट, एक एग्जाम्पल दी जा रही है कि डॉट जो आपको नजर आ रहे हैं ये वैल्यूज का डाटा है। ठीक है, फॉलोइंग में भी द पॉसिबिलिटीज, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। ठीक है, कि पहले वाले के अंदर क्या है कि एक्यूरेसी भी कम है और प्रिसीजन भी लो है। ठीक है, एक्यूरेट कहाँ पे आएगा, कि जब ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज एक जो एक्चुअल में क्या है इसके जो सेंट्रल है स्मॉल वाला उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, कि एक्यूरेसी ने हमें ये बता दिया कि यहाँ पे पहले वाली के अंदर सारी वैल्यूज जो है एक्चुअल वैल्यू से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो लो एक्यूरेसी आ गई। अब प्रिसीजन हमें कह रही कि हर वैल्यू दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, डिफरेंट है। ठीक है, अब दूसरे वाले के अंदर क्या है, हाई एक्यूरेसी आ गई और लो प्रिसीजन है, अभी भी वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट है, एक्यूरेसी तो फिर भी आ रही है कि ये हमारे पास वो सेंट्रल पॉइंट के अंदर आ गया। ठीक है, थर्ड में हमारे पास क्या, लो एक्यूरेसी के सारी की सारी बाइन है लेकिन प्रिसीजन हाई है। प्रिसीजन क्यों हाई है, कि सारे डाटा एक ही जगह पे आ रहा है। ठीक है, अब जो लास्ट है उसमें एक्यूरेसी भी हाई है, उसमें प्रिसीजन भी हाई है। क्यों एक्यूरेसी हाई है, कि सारा डाटा जो है उस स्मॉल वाले सर्कल के अंदर है। ठीक है, और प्रिसीजन हाई इसलिए कि सारा डाटा एक ही पॉइंट के करीब करीब है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या। ईच सेट ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट शुड बी अकॉम्पेन्ड बाय एन इंडिकेशन ऑफ प्रिसीजन ऑफ एनालिसिस, कि हम किसी भी रिजल्ट की रिग्रेशन जो फाइंड आउट कर रहे होते हैं या उसकी प्रिसीजन निकाल रहे होते हैं एनालिसिस का, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। दिस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन
For finite number of set of data, the standard deviation S is given by, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि अंडर रूट लेना है हमने, समेशन ऑफ एक्स हाई वैल्यू इसका स्केयर है माइनस समेशन ऑफ एक्स हाई स्केयर एक्स आई स्केयर डिवाइडेड बाय एन, यानी कि ये एवरेज वैल्यू है, या इसको आप सिंपली एक्स आई बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरी वाली टर्म को डिवाइडेड बाय एन माइनस वन की जितनी भी वैल्यूज हैं उसका वन माइनस करते हैं। एक्स आई इज द इंडिविजुअल मेजरमेंट, एन इज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाटा मोर देन 30 इज कैलकुलेटेड, उसके लिए हम म्यू म्यू स्केयर यूज कर लेंगे, ठीक है। बाकी टर्म वो जो है एन माइनस वन की बजाय एन आ गया, एन हम अब ये हमारे पास एक्स आई क्या है, इंडिविजुअल मेजरमेंट्स आ जाएगी। म्यू क्या होता है, मीन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, के मीन ले लें हम हमारे पास जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजरमेंट है। अब उसका मीन कैसे लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन एस ओवर अंडर रूट एन आ जाएगा, कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनको जो स्केल ले स्केल रूट ले लिया जाए। स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा सब भी कैलकुलेटेड को मोस्टली हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करें, कैसे, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई बार स्केयर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन आ जाता है, ठीक है। कि हम पहले रीडिंग्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसकी मीन निकाल लेते हैं, फिर डिफरेंस आ गया, स्केयर आ गया, फिर उसका सम भी आ गया और उसको अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है कि एक्स आई इज इंडिविजुअल मेजरमेंट, एक्स इज मेजर मीन वैल्यू फॉर ऑल द मेजरमेंट। कैलकुलेशन है, नीचे प्रॉब्लम दी गई है उसको सॉल्व करना है हमने। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रीडिंग 15.67, 15.69, 16.03, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने पहले सबसे कहना है समेशन करनी है, ठीक है, सबको सम किया तो ये बन गया 47.39, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज का स्केयर ले लिया तो ये वैल्यू आ गई 748.69। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो वो समेशन ऑफ पहले वाली वैल्यूज आ गई, समेशन ऑफ स्केयर्स की का आ गया, ठीक है, स्केयर्स भी आ गया, उसकी क्या लेना हमने, डिवाइडेड बाय एन करना है, ठीक है। और एन एन हमारे पास क्या था, थ्री है, थ्री वैल्यू थी, ठीक है, तो थ्री से इसको डिवाइड करें, यानी ये एवरेज वैल्यू है, पहले वाली सिंपल वैल्यू है, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या था, एन माइनस वन, थ्री माइनस वन क्या गया, टू, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस 0.21 का डिफरेंस आ रहा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आती है नॉर्मल वैल्यूज जो हमारे पास हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं फॉलोइंग रेप्लिकेट वेइंग आर ऑब्टेन 29.8, 30.2, 28.6, 29.7। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, सबसे पहले तो हमने वैल्यूज लिखी, उसका सम ले लिया, वो आ गया 118.3। इसी तरह हमने क्या किया, फिर समेशन करके आप वैल्यूज काउंट कर लें, एक दो तीन चार हैं, तो इससे 118.3 को 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू बनी हमारे पास 29.6, ठीक है, ये एवरेज आ गया या मीन आ गया। देखें एक्स आई माइनस एक्स बार करना है तो हर वैल्यू को मीन वैल्यू से माइनस कर दें, ठीक है, 29.8 माइनस 29.6 तो ये 0.2 वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह 30.2 माइनस 29.6 तो ये 0.06 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आप निकाल लोगे सारी वैल्यूज के लिए, फिर इस जो वैल्यू आ रही है उसका स्केयर लें, जैसे 0.2 का क्या आएगा, 0.04 आ जाएगा, 0.6 का आएगा, 0.36 आ जाएगा, 1 का 1 ही आता है, 0.1 का 0.01 आ जाता है, ठीक है। और फिर इन सारी वैल्यूज की समेशन ले लें, किधर गया, ओके, ये हमारे पास क्या आ गई, उन सारी वैल्यूज की समेशन आ गई 1.41, ठीक है। और टोटल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4, उसमें से 1 माइनस किया तो 3 रह गया, तो जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.69, ठीक है। इसको एक दो प्लस, एक्चुअल वैल्यू से ये प्लस भी होगा और ये माइनस, यानी इतना डिफरेंस जो है वैल्यूज के अंदर आ सकता है। इसी तरह हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन लेनी है तो हमने फार्मूला देखा था, एस ओवर अंडर रूट एन आ जाएगा, ठीक
ठीक है, एन एम हमारे पास 4 था, और उसका अंडर रूट लिया, ठीक है, और 0.69 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू होगी 0.34। अब हम एक और टर्म यूज करते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। उसको हम कैसे निकालते हैं, एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अबव डेटा वुड बी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एस ओवर एक्स बार, एक्स बार हमने पीछे निकाल लिया 29.6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिए 0.69, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2.3% जो है इसमें डिफरेंस है। कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिव वेरिएशन कैसे आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन निकाली हमने और एवरेज वैल्यू निकले ली, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ये वैल्यू बन जाएगी 1.1%। इसी तरह एक और एक्सरसाइज है हमारे पास, अ स्टूडेंट परफॉर्म क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ गैसोलीन एंड ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ आइसोक्टेन एज फॉलो। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डाटा कितना है, 6 है, परसेंट ऑफ आइसोक्टेन आ गई हमारे पास 3.83, 3.97, 3.94, 3.88, 3.94, 3.90। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, मीन निकालना, ठीक है, तो मीन की वैल्यू आ गई, फिर एक्स आई माइनस मीन वैल्यू करनी है, ठीक है, 3.83 माइनस 3.91 करेंगे तो ये माइनस में आएगी, ठीक है, माइनस 0.08 आएगा, ठीक है, तो आप माइनस माइनस का स्केल लोगे तो वो ऑलरेडी प्लस में टर्म आ जाएगी, इसलिए आप लोगों ने माइनस से टेंशन नहीं लेने की, माइनस आ रहा है किसी भी वैल्यू में, ठीक है। तो ये आ गया, आप उसको ले लोगे, उसका समेशन कर लोगे फिर, तो वो भी वैल्यू आ जाएगी, और डिवाइड इसको अंडर रूट ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे एन माइनस वन के साथ, यानी 6 में से 1 करें माइनस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ऊपर वाले टर्म्स से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.051 वैल्यू बन जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो इस तरह हम, अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप जो है ना इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह मैं कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाती हूँ, मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। मीन क्या था हमारे पास, मीन इज द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ डाटा, कि एवरेज ले लें किसी भी डाटा की, वो हमारे पास मीन होता है। टू कैलकुलेट द मीन फाइंड आउट द सम ऑफ डाटा एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डाटा, जैसे आपको डाटा दिया गया है 12 15 11 11 7 13, फाइंड द सम ऑफ डाटा, सम किया हमने तो ये 69 बन गया, ठीक है। अब डिवाइड द नंबर ऑफ डाटा, डाटा हमारे पास कितना है, 6 वैल्यूज है, तो 69 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 11.5। इसका मतलब है इनका एवरेज कितना है या इनका मीन कितना है, ये बन जाएगा 11.5 बन जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक स्टोर सेल्स, सोलर सेल्स, उनकी प्राइस दी गई है, व्हाट इज द मीन प्राइस, हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को प्लस कर दिया और उसको जितनी वैल्यूज हैं उसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके कर सकते हैं। इन क्लास स्टूडेंट टेक मार्क्स, कितने मार्क्स लिए, 10 12 15 9 14 12 13 8, व्हाट इज द मीन मार्क्स, अब क्या करोगे, मीन निकालोगे इसका, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कैन मार्केट एप्पल कॉस्ट वर्थ ऑफ 150 200 185 175 165 140 एंड 190 पर केजी, मीन अब क्या करोगे, सारी वैल्यूज को प्लस कर देंगे और जितनी वैल्यूज ये होंगी तो उससे डिवाइड करोगे तो हम आपके पास मीन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। इसी तरह मीडियन हमने देखा था क्या है, मीडियन इज द मिडल नंबर इन अ सेट ऑफ डाटा व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, ठीक है, जब कोई भी डाटा एक सीक्वेंस में अरेंज है तो उनका मिडल नंबर जो होता है वो हमारे पास मीडियन कहलाता है। अब हमारे पास क्या है, 12 15 11 11 7 13, सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है, फर्स्ट अरेंज द डाटा इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, ठीक है। अभी आपने देखा 7 11 11 12 13 15 बन जाएगा, ठीक है, देन फाइंड द नंबर इन द मिडल और द एवरेज ऑफ टू नंबर इन द मिडल, ठीक है। अगर ओड नंबर है तो फिर तो एक ही नंबर आएगा मिडल में, लेकिन अगर इवन नंबर है टोटल तो वो फिर हमारे पास दो का
सेंटर आता है, यानी दो की एवरेज ले लेते हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टोटल वैल्यू 6 है, जिसका मतलब है 11, 12 हम प्लस कर लेंगे तो 23 बन जाएगा, और इसका जो है हम एवरेज लेंगे तो वो 11.5 बन जाएगा। तो इसका मतलब है इसका मीडियन कितना है, 11.5, मिडल पॉइंट जो होता है, ठीक है। अब एग्जांपल दी जानी है, एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सेल द सोलर सेल्स, ये इतनी, व्हाट इज द मीडियन प्राइस, ठीक है। अब मीडियन क्या होगा, अगर वैल्यूज देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ठीक है। तो इसका मतलब आप पहले सबसे रेंज करोगे तो इसकी मीडियन पॉइंट जो है ना वो एक ही होगा, वैल्यू एक ही आएगी। सेकेंड है, इन द क्लास क्लास ऑफ स्टूडेंट टेक मार्क 10, 12, 19, 15, 9, 14, 12, 13, 8 विद, वट इज द मीडियन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट आर टेकिंग। ये आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों ने इसको क्या करना है कि रेंज करना है, उसके बाद उसका सेंट्रल पॉइंट निकालना है। इन मार्केट्स एप्पल कॉस्ट, ठीक है, इतनी वैल्यूज है, इसका मीडियन निकालना है आप लोगों ने, ठीक है। अब मोड क्या होता है, मोड इज अ नंबर दैट अकर्स द मोस्ट, कि कोई ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा हो, ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो रहा हो, वो हमारे पास मोड होता है। जैसे कि पिछली एग्जांपल में 12, 15, 11, 11, 7, 13 में 11 ऐसा डिजिट है जो दो दफा रिपीट हुआ, ठीक है, यानी कि दो दफा आ रहा है, तीन दफा भी आ सकता है, चार दफा भी आ सकता है कोई नंबर। यू कैन रिमेंबर दैट मोड मीन्स द नंबर दैट अकर द मोस्ट, बिकॉज मोड एंड मोस्ट साउंड लाइक, ठीक है, कि सिंपली याद करने के लिए कि मोड क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो मोस्ट मोस्टली जो है इसके अंदर पाई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, मोड प्राइस निकालनी है, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि ऊपर वाली वैल्यू में मोड प्राइस कौन सी है, फिर इसी तरह जो रिपीटिंग मार्क्स हैं वो निकालने हैं, और एप्पल की कॉस्ट जो है वो निकालनी है। Sometime a set of data will have more than one mode, कि लाजमी नहीं है कि हमेशा एक ही मोड हो, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, फिर कोई दो डिजिट जो है रिपीट हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर बोथ द नंबर 5 and 7 आर अपीयर ट्वाइस, कि 5 भी दो दफा आया है, 7 भी दो दफा आया है, ठीक है। 5 and 7 आर बोथ द मोड एंड दिस सेट इज सेड टू बी बाई मॉडल, ठीक है। बाई मॉडल मीन के दो ऐसे डिजिट हैं जो दो दफा प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये तीन दफा भी हो सकते हैं, बाई मॉडल इसलिए कह रहे हैं कि दो डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सम टाइम देर इज नो मोड इन द सेट ऑफ डाटा, सम टाइम ऐसा भी है कि कोई भी मोड नहीं होता, सारे नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। ऑल द नंबर इन दिस सेट अकर ओनली वंस, देयर फॉर देर इज नो मोड इन दिस सेट। अ टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइस $100, 275, 300, 325, 350, 375, 500 on different store. What is the mode? आपने इसके अंदर मोड फाइंड आउट करना है कि है या नहीं है। अब कंपैरिजन है हमारे पास कि मीन क्या है, एवरेज लेना, मीडियन का था जो सेंट्रल नंबर था वो आ जाता था, ठीक है, नंबर और एवरेज ऑफ द नंबर्स इन द मिडल। अब मोड क्या है, जो नंबर बार बार आ रहा था, ठीक है, द नंबर दैट अकर्स रिपीटेडली, ठीक है, तो वो आ जाता है। अब हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ ईच वैल्यू इन डाटा सेट वेरीज और डेविएट फ्रॉम द मीन, के मीन वैल्यू से कितना डेविएट हो रही है। स्टेप टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ द सेट ऑफ डाटा, ठीक है, कि मीन निकालना है तो एक्स बार निकालना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू एंड द मीन, के एक्स माइनस एक्स बार करना है, स्क्वेयर द डिफरेंस, के जो डिफरेंस लेंगे हम उसका स्क्वेयर कर ले लें। फाइंड द एवरेज मीन ऑफ दी स्क्वेयर, के इसका एवरेज ले लें, ठीक है, ये जो समेशन कर ली हमने, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर, ठीक है, तो उसको एन से डिवाइड कर लिया। टेक द स्क्वेयर रूट टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद इसका अंडर रूट ले लें, तो इससे हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मालूम हो सकती है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज आपको दी गई है, तो सबसे पहले आपने मीन निकालना है, तो उसका वैल्यू बनती है मीन की 91, ठीक है। सबसे पहला स्टेप किया हमने, फाइंड द मीन। अब एक्स बार हमारे पास 91 है,
तो बाकी सारे एक्स की वैल्यू के अंदर से एक्स बार को माइनस करना है, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स बार आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वैल्यू भी आ रही है, तो जो माइनस माइनस का स्केल लिया जाएगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। तो आप लोगों ने इसे घबराना नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। इसी तरह हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका फॉर्मूला पुट करें, ठीक है, अंडर रूट लें और एन से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास कि 234.04 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, अंडर रूट लिया तो 6.8 बन जाएगा। दिस द मीन इज 91 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अबाउट 6.8। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज 9, 4, 5, 6। पहले हमने क्या किया, मीन फाइंड किया, ठीक है, मीन को माइनस कर दिया एक्स वाली वैल्यू से, उसका स्केल लिया, फिर उसका सम लिया और उसके बाद जो है उसका अंडर रूट लें और डिवाइड करते हैं एन से। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 1.87। मीन इसकी वैल्यू कितनी है 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अबाउट 1.87। अब आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, कुछ डाटा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। फाइंड मीन मोड मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस डाटा, ठीक है। ये आपको चार वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपने इसको फाइंड आउट करके इसकी वैल्यूज निकाल लिए सारी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या हमारे पास, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ प्रिसाइज द एवरेज इज, दैट इज हाउ वेल द इंडिविजुअल नंबर एग्री विद ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ कितने मैच कर रहे हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ टाइप ऑफ एरर कॉल्ड द रैंडम एरर, कि ये जो रैंडम एरर होते हैं उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। द काइंड ऑफ एरर पीपल कैन नॉट कंट्रोल वेरिएबल, कि कोई भी एरर जो कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, रैंडमली हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको उसको एस्टिमेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ की जाती है। इट इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलो, हमें पता है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार किया, सारी वैल्यूज का स्केयर ले लिया। यहाँ पे हमने सम समेशन की देखा, सिंबल देखिए, तो इसका मतलब है इसको सर को सम करें और डिवाइड करें एन माइनस वन के साथ, कि एन हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है उसे माइनस वन कर दें। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, अब सिंपल के बजाय हमारे पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी होती है। The relative standard deviation is often more convenient in expressing term of percentage and is obtained by multiplying the standard deviation by 100 and dividing this product by the average, उसको divide कर देना हमारे पास जो average value होती है। तो ये तो थी हमारे पास standard deviation का formula। Here are four measurements, values दी हुई हैं, calculate the average standard deviation and relative deviation। तो हमारे पास क्या है, एवरेज निकाली हमने, वो आ गई 52.2 आ गया। और इसी तरह हमने हर वैल्यूज में से मीन वैल्यू जो एवरेज वैल्यू हो माइनस की उसका स्केयर लिया, उन सबका समेशन ले ली। टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 रह गया नीचे डिनोमिनेटर में, सारी वैल्यूज का माइनस करके उसका स्केल लिया और स्केल को प्लस किया, उसके बाद अंडर रूट ले लें तो ये वैल्यू, पहले इसको सॉल्व किया तो 5.9 बन देते हैं, उसका अंडर रूट लिया तो ये 2.4 बन जाएगी, ठीक है। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारे पास वैल्यू आई है 2.4 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई एक्स वैल्यू हमारे पास क्या आई थी एक्स बार 52.5। तो ये रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ रही है 4.6%, ठीक है। आवर फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस एग्जांपल कैन बी रिटन एज 52.2 प्लस माइनस 2.4, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी आ रही है। और अगर हमने इसको परसेंटेज में लिखना है कि 52.2 प्लस माइनस 4.6%, ठीक है, रिलेटिव में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है तो परसेंटेज का फार्मूला लगाना पड़ेगा, अगर परसेंटेज में नहीं लिखना तो सिंपल वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो था आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने मोड मीन मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा, इसी तरह साथ साथ हमने एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को भी स्टडी किया।
आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, और एग्जांपल्स जो हैं आप लोगों ने सारी इसको कंप्लीट करनी है।